पाप तेरे सब धुल जाएंगे, विपदा होगी दूर। पाप तेरे सब धुल जाएंगे, विपदा होगी दूर। बस अपने माथे लगा तू राम नाम की धूल। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। बात करते हैं राम मंदिर की, अयोध्या के राम मंदिर। हर रोज पहुंच रहे हैं सेलिब्रिटीज। आज गोवा के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ यहां पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। कुल 51 सदस्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहां पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की मंदिर में। और यहां मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। गोवा के पूरे कैबिनेट और हमारे एमएलए और हमारे पार्टी के पदाधिकारी इनके साथ में आज रामलला का दर्शन किया। हम पूरे गोवा के लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं भाग्यवान हूं, हमारे गोवा से भी 2000 लोग आज रामलला के दर्शन देने के लिए यहां पे आए हैं। मैं सबसे पहले रामशिलान्यास और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यानी सालों से जिसकी हम राह देख रहे थे, जो मंदिर ये राष्ट्र मंदिर है, इसके आज रामलला का दर्शन करने का मौका मुझे मिला, इसलिए मैं मुझे सौभाग्यवान समझता हूँ। और पूरे गोवा की जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से माननीय मोदी जी को और रामशिलान्यास को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे कैबिनेट में, हमारे साथ में पूरे हमारे सभी मिनिस्टर्स ऑल टुगेदर, यानी कैथलिक मिनिस्टर्स और एमएलए भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। जैसे हम बोल रहे कि पूरे राष्ट्रभर से सभी जाति और धर्म पंथ के सभी लोग रामलला का दर्शन लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और सही में हम जो बात कर रहे हैं कि सालों से जो रामलला के मंदिर की राह हम देख रहे थे, वो रामलला का मंदिर पूरा हो गया और आज रामलला का दर्शन लेने के हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर एक बार यानी मैं हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उसके इस कार्यकाल में ये मंदिर पूरा हुआ, इसलिए उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमें यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था।